हेलो एवरीवन, वेलकम यू अगेन टू द ज्ञानम। और जैसे कि हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए एक स्टेप और आगे की तरफ जा रहे हैं। सो लेट अस टेक अ नेक्स्ट स्टेप। और नेक्स्ट जो आज के टॉपिक करेंगे और जो हमारे करंट अफेयर्स अब शुरू हो रहे हैं, वो फेब और मार्च को टच कर रहे हैं। जैसे ये खत्म होंगे क्लास, देन मैं लास्ट में आपको जैसे प्रॉमिस किया था कि उससे पहले का, जैसे मैंने शुरू इसकी जो शुरुआत की थी मैंने अक्टूबर से की थी, तो उससे पहले का जो करंट अफेयर है उसकी एक समराइज वीडियो में बना दूंगा, ताकि आपको कुछ 100 टू 50 टू 60 70 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उस 6 मंथ के मिल जाए। ठीक है, सो लेट अस बिगिन। अपने टारगेट की तरफ देखते हैं कि जो 50x50 का टारगेट हमने रखा हुआ है उसको किस तरीके से अचीव कर रहे हैं। ठीक है, सो वी गोना स्टार्ट विद दिस। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्लास की, आज का पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि परम परवेगा विच इज बिन द रिसेंटली इन द न्यूज, ये है क्या। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि परम परवेगा आपके पास जो फिलहाल न्यूज में रहा है वो आपके पास क्या है, व्हाट इज दिस परम परवेगा। ठीक है, तो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं कि क्या ये एंटी टैंक मिसाइल है, सुपर कंप्यूटर है, सेमीकंडक्टर चिप है, या कोविड-19 की वैक्सीन है। ठीक है क्लास, अगर आप थोड़ा सा भी अपडेट हो तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि परम जो है इंडिया का सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, अगर किसी को सिर्फ ये भी याद रहेगा तो वो भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर जाएगा, अदरवाइज फिर वही, अगर नहीं थोड़ी बहुत बेसिक चीजें पता है तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर परम का आपको आइडिया रहे ना कि परम इंडिया का सुपर कंप्यूटर है, तो आप यहाँ पर गलती नहीं करोगे। परम परवेगा आपका क्या है, सुपर कंप्यूटर। इंडिया का अब तक का सबसे फास्टेस्ट और सबसे लार्जेस्ट सुपर कंप्यूटर बनाया गया है ये, और इसे रखा कहाँ गया क्लास, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ बनाया गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc, दैट इज इन बेंगलुरु। ये आपके पास वहां पर इसको एस्टेब्लिश किया। ठीक है क्लास, अच्छा क्वेश्चन है, परम परवेगा कहां पर रखा गया है आपका, बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। देखो क्लास, दो क्वेश्चन कवर होंगे, इकोनॉमी का क्वेश्चन भी कवर होगा यहां से, और दूसरा क्वेश्चन आपका कहां पे कवर हो जाएगा, करंट अफेयर का। ठीक है, स्कीम्स का। अब देखो ऊपर वाले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन टच कर रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पोर्शन। ठीक है, साइंस एंड टेक का पोर्शन हो गया, तो स्टैटिक को भी कवर कर रहे हैं, क्योंकि स्टैटिक पार्ट क्या बताता है कि इंडिया का सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा, परम। राइट नाउ न्यूज में क्यों आ गया, क्योंकि इसके साथ का एक जो इसका वर्जन है वो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के अंदर हमने इंस्टॉल कर दिया। अब सेकेंड कैटेगरी को देखते हैं तो ये कैटेगरी चली जाती है इको एंड करंट स्कीम्स की। तो उसमें स्कीम चल रही है कि सोवरन गोल्ड बॉन्ड्स, ठीक है, जिसके लिए आप अगर गोल्ड रखते हो तो आपको लोन्स मिलेंगे, आप कुछ ग्राम गोल्ड खरीदते हो गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है, अगर कुछ मेथड्स यूज कर रही है अपने स्कीम्स के थ्रू। तो सोवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम जो आपकी है वो कितने साल की मैच्योरिटी एज के साथ आई है, 8 ईयर्स, 8 साल की मैच्योरिटी। ठीक है, बहुत लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया का बहुत समय से अगर आप ध्यान से देखोगे तो पिछले 7-8 साल में इंडिया बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट गोल्ड पर फोकस कर रहा है, इंडिया अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाने के चक्कर में लगा हुआ है, इसलिए वो इंडिया इंडियंस को बोल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा गोल्ड खरीदे, उसमें इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, आपने देखा होगा कि पेटीएम पे, गूगल पे पे, फोन पे पे एक गोल्ड बाय गोल्ड का सेक्शन आता है, जिसमें आप 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए इतने का भी गोल्ड खरीद लेते हो, तो कुछ मिलीग्राम्स में आप गोल्ड खरीदते हो। तो बेसिकली द इन्वेस्टमेंट इन द गोल्ड, जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे लॉन्ग रन में आपकी जो लिक्विड एसेट्स, जो आपके गोल्ड रिजर्व है, फॉरेक्स का रिजर्व, उसमें गोल्ड काउंट होता है तो वो ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दैट इज द पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लास हमारा, नमा शले नना कुडुगे। ठीक है, नमा शले नना कुडुगे, ये ऐप किस स्टेट और यूटी की आपके पास इनिशिएटिव है। ठीक है क्लास, ये जो इनिशिएटिव है ना, ये स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है। ठीक है, कि जो फंड्स आपके पास गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए आते हैं, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आते हैं, उसकी इंप्रूवमेंट के लिए आते हैं, ओवरऑल जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको इंप्रूव करने के लिए जो फंड्स आते हैं, ये उसके लिए है। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग भी है क्लास, वो हमारे पास क्या है, अगर मुझे लिटरली इसका मीनिंग देखना हो तो इसका मतलब क्या है, माई स्कूल माई कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नमा शले नना कोडुगे, यानी कि मेरा स्कूल मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन। तो जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव के थ्रू स्कूल्स को पैसा आता है, ये उसके लिए। ठीक है, तो ये स्कीम कौन से स्टेट की है आपके क्लास, कर्नाटका। आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे क्लास, मैं हर करंट अफेयर में कम से कम 2 से 3 आपके पास स्कीम्स कवर कर रहा हूँ, चाहे वो स्टेट बेस्ड हो चाहे वो सेंट्रल बेस्ड हो। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्लास, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन बहुत पहले पूछा गया था 2020 वाले सीजीएल में था, अम्मा बॉडी कौन सी स्कीम है,
ठीक है, अम्मा बॉडी मीन्स अम्मा स्लैप, ये भी कर्नाटका की स्कीम थी। तो क्लास ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, तो इसका ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है आपके पास। तो स्टेट बेस्ड जो आपकी स्कीम से क्लास, उसे इग्नोर मत किया करो, ये पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। ये मत सोचा करो कि सेंटर की स्कीम है तो ही पेपर में आएगी, नहीं, कुछ स्टेट स्कीम्स बहुत बेटरली इनिशिएटिव होती है, बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करवाने के और अच्छे पर्पज के लिए होती है। तो ये स्कीम भी बहुत अच्छी है एजुकेशन पर्पज के प्रपोज से और उसी प्रोस्पेक्ट के हिसाब से। तो स्कूल का नाम जो स्टेट इसको इनिशिएटिव ले रही है वो कौन सी, आपकी कर्नाटका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्लास। द लासा फीवर विच इज सीन रिसेंटली इन द न्यूज इज स्प्रेड बाय विच स्पीशीज, ठीक है। अभी रिसेंटली न्यूज में था लासा फीवर, एक तो कोविड के बाद से जब कोई भी नई बीमारी आती है बंदे को वैसे टेंशन हो जाती है, ठीक है। चाइना में रोज बीमारी निकलती है, कभी बंदरों की, कभी चूहों की, कभी बैट्स की, तो इन्होंने मेला लगा रखा है, पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं और क्या क्या बीमारियां फैलाते रहते हैं, कोई ध्यान नहीं है इनकी, वेट मार्केट्स का कोई रेगुलेशन नहीं है। तो ये बीमारी किसकी है क्लास, रैट्स की है, लासा फीवर, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं क्लास, पूछा जा सकता है लासा फीवर किससे एसोसिएटेड है, दैट इज योर रेट्स। और रेट्स से होने वाली एक और बीमारी कौन सी है, प्लेग, और इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है ब्लैक डेथ। एक बार ऐसे साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्लास कि ब्लैक डेथ इनमें से कौन सी बीमारी के लिए यूज किया जाता है वर्ड, दैट इज फॉर द प्लेग, ठीक है। बबोनिक प्लेग जो होता है उसको हम ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं, 2 से 3 दिन में ही डेथ हो जाती है। पूरे यूरोप की 50% पॉपुलेशन को खत्म किया था एक समय के अंदर, ठीक है। जैसे आज हम कह रहे हैं कोविड ने कुछ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को वाइप आउट कर दिया 2-2.5 साल के अंदर, ऐसे प्लेग ने एक जमाने में यूरोप की 50% पॉपुलेशन को प्लेग के थ्रू खत्म कर दिया था, ठीक है। 2-3 बार फैल चुका है, पेंडेमिक बना है इसका भी अपने समय में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू प्लास्टिक पैकेजिंग व्हाट डज ईपीआर स्टैंड फॉर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास, साइंस एंड टेक एज वेल एज योर इकोनॉमी एज वेल एज योर करंट अफेयर। मुद्दा यह है क्लास की, आप बहुत समय से देख रहे हो कि सिंगल यूज प्लास्टिक या डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक की रेगुलेशन के ऊपर बैन लग रहा है, ठीक है, जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, क्योंकि आपके नेचर में बहुत लंबे समय तक प्लास्टिक पड़ा रहता है, चाहे वो ओशियंस में हो, चाहे वो जमीन के अंदर हो, कहीं भी हो, ठीक है। बहुत ज्यादा सर्वाइव करता है प्लास्टिक आपके एनवायरमेंट में, पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो इसको लेकर कुछ गाइडलाइंस बार बार इश्यू होती रहती है कि किस तरीके से आप वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम कर सकते हो। इसीलिए एक रिसेंटली आपके पास ईपीआर को ऐड किया गया एज ए इनिशिएटिव, जिससे आपको यह पता लगेगा कि आपको प्लास्टिक पैकेजिंग जो आ रही है, सिंगल यूज प्लास्टिक आ रहा है, उसको किस तरीके से रेगुलेट करना है। ईपीआर स्टूड फॉर एक्सटेंडेड प्रोसीजर प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, गाइडलाइंस इशू की गई है उन लोगों के लिए जो प्लास्टिक के मटेरियल बनाते हैं, प्लास्टिक की पैकेजिंग बनाती है, कि आपको किस तरीके से किस गाइडलाइंस के थ्रू प्लास्टिक को इनिशिएट बनाना है ताकि वो सिस्टम से बाहर भी निकाला जा सके, वो पोल्यूशन या लेटरिंग वाला काम ना करे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इंडिया एशिया एक्सप्रेस IAX, या आपको सीधा फुल फॉर्म में पूछा जा सकता है क्लास कि अंडरसी केबल्स IAX की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है इंडिया एशिया एक्सप्रेस। ये किस टेलीकॉम कंपनी ने बिछाई है, ठीक है। क्लास मजे की बात यह है कि अगर ये हो जाता है तो इंडिया विल हैव द फास्टेस्ट नेटवर्क इन द एशिया, ठीक है। ये बहुत अच्छे लेवल पे कम्पीट करेगा, बहुत लेस डिस्टॉर्टेड कम्युनिकेशन आपको मिलेगा। जैसे हमारे नेटवर्क उड़ जाते हैं, टावर उड़ जाते हैं, अगर एक घर में 4 कमरे, चौथा कमरा बिल्कुल कोने में, उसके पीछे घर लगता है तो नेटवर्क उड़ जाता है, हमने देखा भी होगा। तो एक बार हमारे एक मीम देखा था मैंने, जिसमें कम्युनिकेशन दिखाया गया कि अगर आपके हाथ में फोन है तो नीचे रखा तो 2G, थोड़ा ऊपर किया 3G और ऊपर किया 4G, दाएं बाएं घुमाया तो 5G। तो इस तरीके से ना हो, उसको बेटर इंप्रूव करते हुए आपका IAX जो लेंस है वो बिछाई गई है बाय द जियो, ठीक है, जो कि आपके रिलायंस का एक ब्रांड है जियो, उसने इसको अंडरसी केबल्स को बिछाया है और उसको नाम क्या दिया गया, इंडिया एशिया एक्सप्रेस, ठीक है। चलिए आई होप यहां तक क्वेश्चंस क्लियर होंगे क्लास, अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शंस, ठीक है। चलिए, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स रिलीज बाय द US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्लास, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। बहुत सिंपल चीज है, अगर आपको थोड़ा बहुत वर्ड को भी पढ़ोगे तो भी समझ में आएगा, ठीक है। दुनिया में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का बहुत महत्व है, बहुत सारी बड़ी कंट्रीज हैं, डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, जो इसके ऊपर बहुत मायने रखती है, ठीक है। इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के अंदर इंडिया का रैंक कितना रहा है क्लास, 43, पिछली बार से बेटर है, इंप्रूव करके आए हम लोग, ठीक है।
तो इस बार का जो रैंक आया है आपका 2021 के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में, वो कितना आया आपके पास? 43। तो इंडेक्सेस के क्वेश्चन आप लोग देखते ही हो क्लास, ये आपको पेपर में पूछे ही जाते हैं। तो मैं इंपॉर्टेंट इंडेक्स सारे कवर करके चल रहा हूँ धीरे धीरे करके। हर सेक्शन में आप देख रहे हो कि 2-3-1-2 क्वेश्चन आपको इंडेक्स से रिलेटेड मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज दीक्षा स्वयं निष्ठा आर द इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री ने आपके पास ये तीन स्कीम्स इनिशिएटिव शुरू किए हैं? अब क्लास ये भी देखो ध्यान से, अगर आपको एक स्कीम का पता हो ना तो भी आप तीनों का आइडिया लगा लेते हैं, ठीक है। दीक्षा पुरानी चल रही है, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए था कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू रन की जा रही है। अब इसके फुल फॉर्म्स पेपर में पूछी जा सकती है, एब्रीवेशंस पेपर में आती है, एक आधा क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि दीक्षा की फुल फॉर्म क्या है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये टीचर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अपने नॉलेज शेयरिंग का काम कर सकते हो। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ठीक है, दीक्षा की फुल फॉर्म है। फिर देखते हैं स्वयं की फुल फॉर्म क्या है आपके पास। स्वयं स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ठीक है। उसके बाद है आपकी निष्ठा, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिकल एडवांसमेंट। क्लास तीनों की फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिख दी है, तीनों इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जा सकते हैं। दीक्षा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, आपकी जो स्वयं है दैट इज स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, और निष्ठा की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिकल एडवांसमेंट, ठीक है। तीनों याद रखना क्लास, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाएंगे पेपर में। नेक्स्ट है आपके पास आर्कियोलॉजिकल साइट नेम्ड ज़ियांबई इज बीन यूज्ड इन द रिसेंटली विच इज विच कंट्री। ज़ियांबई बेसिकली ये एक जगह है जहां पर आपको कुछ 40,000 साल पहले के रेडिश टूल्स मिले हैं, ठीक है, यानी 40,000 पहले साल पहले की सभ्यता के बारे में बात करें। जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो हम रफली आइडिया लगाते हैं कि आज से 5,000 साल पहले ये सभ्यता रही होगी, 4,500-5,000 साल के बीच, ठीक है। ऐसे बाकी सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं तो कुछ एक कंट्री है जहां पर इस टूल्स की फॉर्मेशन के पता लगा है, ठीक है, और बहुत पुराने पत्थर से इसके अंदर टूल्स वेपन्स हमें मिले हैं। ये कंट्री है आपकी चाइना, ठीक है। ये जगह बीजिंग से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है क्लास, और उसी के डिस्टेंस पर एक खोजबीन के दौरान हमें कुछ पुराने टूल्स और स्टोन्स मिले हैं, ठीक है। जगह का नाम क्या है, ज़ियांबई। इंपॉर्टेंट है क्लास, पूछा जा सकता है, हिस्ट्री के प्रोस्पेक्ट से क्वेश्चन कवर हो रहा है और वर्ल्ड न्यूज के हिसाब से भी न्यूज कवर हो रही है, ठीक है। दोनों टाइप्स आपकी सीजीएल कवर करती है तो आपको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री प्लस वर्ल्ड न्यूज को कवर करते हुए ये न्यूज चल रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, डिफेंस से बेस करता है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस फ्लाइंग ट्रेनर। फ्लाइंग ट्रेनर जिसके अंदर ट्रेनिंग दी जाती है आपको जहाज उड़ाने की, कौन सा है पहला इंडिजीनियस? तो इसका आंसर हो जाएगा हंसा एनजी, ठीक है। जैसे पहले हमारे पास सूर्य किरण है, ऐसे अब हमारे पास क्या हो जाएगा, हंसा एनजी। पहला इंडिजीनियस है, भारत में बना है फ्लाइंग स्कूल्स के अंदर जहां पे आपको प्लेन उड़ाना सिखाया जाता है, ये पहला इंडिजीनियस फ्लाइंग ट्रेनर है IAF का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्लास। Who is the first Indian women cricketer to appear at 6 ICC Cricket World Cup? Sports का question. आप क्लास नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने हर पीपीटी में आपको हर तरह के questions देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा गया कि किस इंडियन महिला क्रिकेटर ने पहली बार 6 वर्ल्ड कप खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। ये भारत की है आपके मिताली राज, इनफैक्ट ये फर्स्ट एवर विमेन क्रिकेटर। अगर मैं इंडियन वर्ल्ड भी हटा दू ना, Who is the first women cricketer to appear in the 6th ICC World Cup? तो भी आंसर आपका सेम रहेगा, मिताली राज। इनफैक्ट सचिन तेंदुलकर के बाद ये दूसरे प्लेयर बन रहे हैं आपके पास जिन्होंने क्या किए हैं, 6 वर्ल्ड कप खेले हैं, ठीक है। इससे पहले सचिन तेंदुलकर मेल क्रिकेट की फॉर्म से खेल चुके हैं, और मिताली राज आपके पास दूसरी भारतीय बनी है जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेले हैं, फर्स्ट विमेन प्लेयर है जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेले। इंपॉर्टेंट है क्लास, पूछा जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट इज पंडारेथन टेम्पल, रिसेंटली न्यूज में था, और ये क्लास आप मुझे इनबॉक्स में लिख के बताएंगे कि इस मंदिर की न्यूज क्यों आई है, व्हाई दिस टेम्पल इज बीन इन न्यूज, ठीक है। क्लास जो मैं होमवर्क आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ उसको करा करो, प्लीज अटेम्प्ट किया करो, सो दैट वी शुड हैव अ लिटिल इंटरेक्शन कि क्यों आई, क्या न्यूज में क्यों थी।
आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ये जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। क्वेश्चन आपके लिए है कि ये न्यूज में क्यों था, व्हाई इट इज इन न्यूज, ठीक है। बता तो गया कि न्यूज में है, क्यों, व्हाई, व्हाई का आंसर मैं आपसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहा हूँ क्लास। आप मुझे न्यूज में बताएंगे कि पंडारेथन मंदिर रिसेंटली जो न्यूज में था ये किस लिए न्यूज में था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास। TPL, वर्ल्ड्स फर्स्ट लीनियर अल्कलाइन बेंजीन लैब, फुल फॉर्म याद रखना क्लास, पूछी जा सकती है, साइंस का क्वेश्चन है। लैब मैन्युफैक्चरिंग टू बी एग्रीगेटेड बाय द BIS, दैट इज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। जिसने पहली बार किसी लैब मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या किया है, इसको एक्रेडिटेशन दिया है, ये है आपके पास तमिलनाडु में। ये पहला बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट बनाएंगे क्लास। डिटर्जेंट जो होते हैं ना, जो यूज करते हैं, वो भी आपके जो सॉइल पोल्यूशन है, जो लैंड पोल्यूशन है, उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट बनाएगी आपकी, दुनिया की पहली कंपनी बनी है, पहला वर्ल्ड का लैब बनने जा रहा है, दैट इज लीनियर अल्कलाइन बेंजीन। ये कहां बनेगी आपके पास, तमिलनाडु में। ये तमिलनाडु की पेट्रोकेमिकल कंट्री कंपनी है क्लास, ठीक है। ये तमिलनाडु की पेट्रोकेमिकल कंपनी, इनफैक्ट इंडिया की इकलौती ऐसी कंपनी है जो पेट्रोकेमिकल्स को सेल करती है, इकलौती कंपनी है पूरे भारत में, ठीक है। TPL, इसी को एक्रेडिटेशन दिया आपकी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने, जो कि लीनर अल्कलाइन बेंजीन बनाएगी, जिसका मतलब है कि बेसिकली जो बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स हैं, दैट विल बी गोना मैन्युफैक्चर्ड इन द तमिलनाडु, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है क्लास, पूछे जाने के चांसेस है। नेक्स्ट, विच इंडियन पर्सनैलिटी हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ एयर इंडिया। पहले आपने सुना होगा कि टर्की एयरलाइन के व्यक्ति थे जिनको अपॉइंट करने की बात चल रही थी, लेकिन कुछ कॉन्ट्रोवर्सी हुई आयकर को लेकर। उसके बाद अभी जो रिसेंटली पर्सन जो अपॉइंट किए गए हैं, वो एन चंद्रशेखर ने, ये टाटा चेयरमैन के ही सन के मेंबर रहे हुए हैं, ठीक है। इन्हीं के थ्रू अब दोबारा से आपके जो एयर इंडिया जो आपके है, जिसको आप बेसिकली टाटा एयरलाइंस के नाम से देख रहे हो, कि टाटा ने इसको बाय आउट किया है, तो टाटा सन्स के ही जो चेयरमैन है अभी फिलहाल आपके एन चंद्रशेखरन, वही क्या अपॉइंट किए जाएंगे, चेयरपर्सन, ठीक है। ये मार्च की न्यूज है क्लास, क्योंकि फेबो के अंदर जिसका नाम आया था वो एक टर्किश एयरलाइन के थे, आयकर, ठीक है। उनकी जगह पर हटाकर किसको बनाया गया है आपके पास, एन चंद्रशेखरन, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लास। Which country is the largest importer of arms globally as per the SCIPRI, friends, in the International Arms Transfer 2021 report, ठीक है। एक organization है क्लास SCIPRI, जो कि world level पर peace को देखती है, कि peace के index के हिसाब से दुनिया में कौन सी ऐसी country जो ज्यादा peaceful रहना पसंद करती है, और peaceful वो होगी जो कि arms weapons ज्यादा नहीं खरीद रही है, ठीक है। ये थोड़ा सा negative है क्लास, negative का मतलब ये नहीं कि गलत news है, news सही है, और नेगेटिव इन द सेंस कि वर्ल्ड लेवल पर पीस के प्रोस्पेक्ट से इसको कम आंका जाएगा। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आर्म्स खरीदने वाली कंट्री इंडिया है, जिसने पूरी दुनिया के 11% आर्म्स खरीदे हैं 2021 में, 17 से लेकर 21 में। दूसरी कंट्री इसके बिल्कुल साथ है, दैट इज सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने भी आपके पास दुनिया के 11%, तो पूरी दुनिया के 22% आर्म्स सिर्फ दो मुल्कों ने खरीदी है, पहली इंडिया और दूसरी है आपके पास सऊदी अरेबिया। इस ऑप्शन में सऊदी अरेबिया नहीं था, तो आंसर आपका क्या रहेगा, इंडिया ही रहेगा क्लास, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए SCIPRI की फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SCIPRI, पूछा जा सकता है आपको, क्योंकि 2021 की बहुत बड़ी रिपोर्ट है। 2017 से लेकर 21 तक जिस कंट्री ने सबसे ज्यादा वेपन्स खरीदे हैं, वो कंट्री आपके पास कौन सी है, इंडिया। दूसरे नंबर पर इसके साथ ही कौन सी आपकी, सऊदी अरेबिया। दोनों ने 11% आपके पास वेपन्स खरीदे हैं। So class, I will end this class over here. Till then, आप पढ़ते रहिए, और आपकी कोई सजेशन हमारे लिए तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। एंड आप हमें जुड़ सकते हैं हमारे साथ YouTube पे, Instagram पे, Telegram पे। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन स्टे कनेक्टेड विद अस। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गॉड ब्लेस यू।